हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है, नंबर 1 का ए नंबर बी सी डी ई। दोस्तों यहाँ पहले ऑप्शन बता देता हूँ और नीचे मैं एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। अ डैश एक्सटेंड इंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कौन जो है हर डायरेक्शन में इंडलेस है, मतलब कभी नहीं रुकेगा। लाइन दोस्तों, लाइन तो सिर्फ ऐसे होता है, तो ये दो ही तरफ हो रहा है ना। इसमें ऑल डायरेक्शन बोल रहा है, मतलब इधर उधर सब तरफ। रे रे तो एक ही डायरेक्शन में होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। दोस्तों प्लेन, प्लेन में ऑल डायरेक्शन में होता है तो प्लेन होगा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तो इंड पॉइंट होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें इंड पॉइंट होता है, तो हो जाएगा प्लेन थर्ड, है ना। प्लेन ऐसा होता है दोस्तों। उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसमें से कौन अलग है दूसरे से। बॉल जानते हैं हम लोग, गोल होता है, ऑरेंज ये भी गोल होता है, ग्लोब ये भी गोल होता है। उसके बाद दोस्तों है ना, यहाँ स्टिकर है, ये कुछ और होता है। ये सारा दोस्तों स्टिकर अगर गोल होगा भी तो ये सर्कल की तरह गोल होगा, ये सारा गेंद की तरह गोल होता है, तो स्टिकर इससे अलग कुछ है। अगला, थ्री और मोर लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड, दोस्तों थ्री या थ्री से ज़्यादा एक लाइन से है ना पास करता है तो उसको कंकरेंट लाइन कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन में, कंकरेंट लाइन यह है। इंटरसेक्टिंग तो दो लाइन होता है दोस्तों, पैरेलल लाइन तो कभी मिलता ही नहीं है, परपेंडिकुलर एक पे ऐसे रहता है तब परपेंडिकुलर होता है, तो ये कंकरेंट हो जाएगा थर्ड, ऐसे फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ और क्यों हो रहा है, आखिर वो पता चलेगा आपको। अगला, द अपोजिट साइड ऑफ अ क्लासरूम ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट डैश लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों जैसे आपको, जैसे यहाँ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्लासरूम, क्लासरूम का जैसे ब्लैक बोर्ड, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड का साइड और ये साइड, इस दोनों का ये अपोजिट वाला दोस्तों ना पैरेलल होता है, मतलब कभी नहीं मिलने वाला, वर्टिकल नहीं पैरेलल, हाँ हो सकता है। अगला देखते हैं, इंटरसेक्टिंग कंकरेंट, ये पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये लाइन इसका पैरेलल होता है और इधर वाला इसका पैरेलल होता है। अगला, डैश लाइन कैन पास थ्रू अ थ्रू वन गिवेन पॉइंट, एक पॉइंट से बोलता है कितना लाइन गुजर सकता है दोस्तों, है ना। डैश लाइन कैन पास थ्रू वन गिवेन पॉइंट, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोस्तों बोलता है कितना लाइन पास कर सकता है, तो एक पॉइंट से ये ऐसे 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 इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों। ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, ओनली थ्री मैनी हो जाएगा तब, है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और दोस्त के शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैक्सिमम कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन बताने का, तो चलिए आगे चलते हैं। बी नंबर है, 1 का बी नंबर चल रहे हैं अभी का ऑप्शन बता रहा हूँ ए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व सरफेस, दोस्तों कर्व सरफेस का 2 एग्जाम्पल बताना है। तो हम लोग जानते हैं GLOBE ग्लोब होता है, उसके बाद है था बॉल हो जाएगा, फुटबॉल वॉलीबॉल ये सारा हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 4 पॉइंट ABCD है ना लाई ऑन द सेम लाइन L, वाट आर दीज पॉइंट कोल्ड, दोस्तों 4 पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ही लाइन, जैसे ये लाइन है और इसी पे चारों पॉइंट देने बोल रहा है ना। तो दोस्तों एक लाइन पे जो होता है ना इसको कोलिनियर कहते हैं, COLLINEAR, POINT, कोलिनियर पॉइंट, है ना। अगला है दोस्तों सी नंबर, बोलता है कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ सर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर कंप्लीटली, है ना, लेइंग ऑन इट, दोस्तों मतलब स्फेयर तो गोल होता है, गोल में दोस्तों हम लोग बोलता है कि उसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ सरफेस ऑफ अ स्फेयर कंप्लीटली, है ना, लेइंग ऑन इट, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, नो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों, इसमें जो स्फेयर मन है लाइन खींचोगे ना तो वो गोल लाइन बनेगा आपको।
उसके बाद गिव वन एग्जांपल इच ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से देना है दोस्तों, तो पैरेलल और लाइन इसमें कब होगा दोस्तों, तो यहाँ डी नंबर बता रहा हूँ। पैरेलल होता क्या है, जैसे कभी नहीं मिलने वाला, इसको पैरेलल कहते हैं। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे यहाँ 90 डिग्री पे, ये परपेंडिकुलर का ये है, साइन है। लेकिन दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड देना है आपको, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड देना है आपको। तो दोस्तों आप जानते हैं ट्रेन का पटरी जो होता है, रेल, एक दूसरे के दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, ए डी जे ई, ए डी जे एस सी ई एन टी, एडजेसेंट साइड ऑफ बी एल ए सी के, ब्लैक बोर्ड बी ओ ए आर डी। दोस्तों यहाँ देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड में ये लाइन पैरेलल है ना, लेकिन एडजेसेंट साइड, ये साइड और ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का एग्जांपल है, और जैसे पैरेलल का हो जाएगा क्या, है ना, अपोजिट साइड। दोस्तों दोनों एक ही साइड, एक ही मैच दे देते हैं, तो इसमें लिख देंगे अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लिख देना, ये लाइन और ये लाइन दोस्तों पैरेलल है, और ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। दोनों एक ही से एग्जांपल दिए, एग्जांपल तो एनवायरमेंट से बोला है, कुछ भी दे सकते हैं आप। ई नंबर, इफ टू लाइन एम एंड एन कट एट अ पॉइंट एक्स, व्हाट इज द पॉइंट एक्स कॉल्ड। दोस्तों एक लाइन ये है जिसका नाम है एल, एक लाइन ये है जिसका नाम है दोस्तों थोड़ी एम है, और दूसरा है एन, ये कट करता है एक्स में, यहाँ पे कट करता है ना। तो ये एक्स वाला पॉइंट क्या कहलाता है, यही निकालना है दोस्तों। जो दो लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट किया है, तो ये इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, आई एन टी ई आर एस ई सी टी आई ओ एन, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट बता रहे हैं, तो अगला है दोस्तों टू नंबर में क्या बोल रहा है, यू आर गिवन सम पॉइंट हेयर, या कुछ पॉइंट दिया हुआ है, नेम ऑल द सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, दोस्तों ये देखिए एक लाइन बन रहा है, किसका बन रहा है, तो यहाँ अगर मिलाएंगे तो पी आर एस, ये लाइन बन रहा है एक, है ना। तो पहला बन जाएगा पी आर और एस, मतलब लाइन सीधा खींच सकते हैं। दूसरा और कौन बन रहा है दोस्तों, कम से कम टू थ्री लाइन होना चाहिए, टू लाइन में नहीं, टू लाइन में खींचोगे तो कोई फायदा नहीं, कम से कम मिनिमम थ्री। एक और बन रहा है दोस्तों, एस क्यू एस और टी, ये वाला लाइन ऐसे भी बन जाएगा एक, है ना। तो एक और है टी एस क्यू भी लिख सकते हैं, या क्यू एस टी, तो टी एस क्यू, दो ठो बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों थ्री नंबर बता रहा हूँ, इन द गिवन फिगर हेयर, जैसे ये फिगर दिया हुआ दोस्तों, ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल है ना, और ये इंटरसेक्टिंग, अभी देखते हैं क्या क्या है। ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन बताना दोस्तों। इस लाइन का नाम एल है, तो हो जाएगा एल, पैरेलल किसका दोस्तों, एम का है ना, और एल पैरेलल एन का भी है। तो पहले हम लोग करते हैं ऑल द, दोस्तों पैरेलल लाइन निकालना है पहले, तो एल एम का है कोमा, फिर एल एन का भी है दोस्तों, एल एन का भी है और एम एन का भी है, एम एन का है ना। आप सोचिए ये कैसे हुआ, एल एम का देख रहे हैं और एम एन का देख रहे हैं, लेकिन अगर ये एम नहीं रहता तो एल एन का भी होता है ना दोस्तों। आंसर में आपको इधर वाला, उधर उधर वाला, इधर हो सकता है, डोंट वेरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किधरों लिख सकते हैं, मेन होना चाहिए आपको, लॉजिक आना चाहिए। अगला, फोर पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दोस्तों इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्टिंग तो दोस्तों ये है ये है ये है ये है, ये बहुत सारा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का कमी नहीं है। तो दोस्तों एल जो है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले एल जो है पी को कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ ए में। तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग एल कर रहा है किसको दोस्तों, एल कर रहा है पी को, एल किसको कर रहा है, पी को कर रहा है यहाँ पे एच में, बहुत सारा है दोस्तों। अगला, एल कर रहा है किसको, क्यू को, एल यहाँ देखिए क्यू को यहाँ ए में कर रहा है। अगला, एल से ही ढेरी होगा,
एल किसको कर रहा है और आर को कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे डी में, है ना, समझ में आया। अगला उसके बाद है एम, फिर किसका किसको कर रहा है, एम फिर वैसा ही पी को करेगा, फिर एम किसको करेगा, क्यू को करेगा, उसके बाद एम किसको करेगा, आर को करेगा, क्योंकि इधर से जो लाइन है उधर से सारा करेगा, फिर एन भी ऐसे ही सबको करेगा। अगला बता दें सी नंबर। उसके बाद द लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज ए, मतलब कौन सा लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है ए में। तो ए पहले है कहाँ दोस्तों, यहाँ पे है, ये लाइन कौन है, एल है, और ये लाइन कौन है, क्यू है। तो इसका सी का हो जाएगा एल क्यू, सिर्फ एक का एक ही होगा एल क्यू होगा, दूसरा कोई नहीं होगा दोस्तों, देख लीजिए, है ना। अगला सी के बाद डी नंबर। उसके बाद द लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज डी, डी 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 कहाँ पे, हाँ यहाँ पे एल है दोस्तों, और कौन है ये, आर है, तो इसमें एल और आर हो जाएगा। अगला डी के बाद ई नंबर में, थ्री सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर मतलब मिनिमम 3 पॉइंट होना चाहिए दोस्तों एक ही लाइन में, है ना, मिनिमम 3 पॉइंट एक ही लाइन में लिखना चाहिए तब होता है कोलिनियर। तो कोलिनियर देखिए, एक ये वाला है, इसमें कितने 4 पॉइंट है, एक ये वाला है 4 पॉइंट है, इसमें एक ये वाला है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इधर से भी होगा 1 2 3, इधर से भी होगा दोस्तों, कम से कम 3 तो ढेर ही कोलिनियर है। तो 3 पेयर लिखना है, तो ए बी सी और जी दिख रहा है दोस्तों, ए बी सी और जी। अगला देखते हैं, उसके बाद है जी एच आई जे के, ये देख ले कैसे है, जी एच आई जे के ये वाला भी है ना, और एक तो लिख लेता हूँ, वैसे है बहुत सारा इसमें, डी ई जे और एफ, देख लीजिए दोस्तों कहाँ पे, डी ई जे एफ और भी है दोस्तों, इसको डी एच ए भी बोल सकते हैं, ई आई ये सब भी, मतलब मिनिमम 3 होना चाहिए, और 3 को फुलफिल कर रहा है सब। आगे देखते हैं, उसके बाद एफ नंबर का, एफ का 1 पहले बताना है, 2 इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पी और आर, पी आर पी कहाँ पे है, ये है दोस्तों, पी कहाँ है, ये पी है, और आर कहाँ है, आर ये है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए पी और आर में जाएंगे तो जे में मिलेगा हम लोग को इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, दिख रहा है यहाँ जे, तो पहला हो जाएगा जे, इसका सेकेंड वाला आंसर क्या होगा, एल और पी, एल 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 और पी कहाँ पे, ये पी है, तो एल एच में होगा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ एल जाएंगे और एच जाएंगे, है ना, आपको ध्यान रखना, जिससे अंडर करना उससे आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो मीट करेगा। आगे देखते हैं 4 नंबर है दोस्तों, क्या बताना है, राइट द विथ द हेल्प ऑफ अ फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इन अ प्लेन। दोस्तों यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है ना, तो 3 लाइन खींचेंगे, तीनों लाइन ऐसे खींच रहे, या तीनों लाइन में एक ऐसे खींचे एक ऐसे खींचे, या तीनों लाइन में ऐसे खींच दिए। तो दोस्तों देखिए, मैक्सिमम जब बोला है तो मैक्सिमम जो है ना, क्या बोला है, मैक्सिमम मिनिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इसमें देखिए कितना, 1 2 3, 3 इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या सिर्फ यहाँ 1 हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम तो 3 3 से ज़्यादा नहीं होगा, और मिनिमम 0 है ना, तो 0 और 3 के, 3 लाइन है तो 0 और 3 के लाइन में वेरी करेगा, मतलब मिनिमम कब होगा दोस्तों, 0, क्योंकि इसमें देखिए कोई मीट ही नहीं किया है, पैरेलल खींच देंगे तो, और दोस्तों पैरेलल छोड़ के और कुछ भी इंटरसेक्ट करेंगे तो 3 होगा, मैक्सिमम 3 होगा, समझ में आएगा, 4 नंबर में मिनिमम मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3। आगे आते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोस्तों ट्रू है कि फॉल्स है, इसका मैं कारण रीजन भी बता रहा हूँ, नंबर ए। अगला चलिए शुरू करते हैं, टू लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, दो लाइन जो है दोस्तों तो हमेशा इंटरसेक्टिंग करता है, ये तो इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा है, लेकिन कर भी सकता है, लेकिन यहाँ बोलता हमेशा करता है, लेकिन तो इस तरह हो जाएगा फॉल्स, समझ में आया, FALSE दोस्तों, फॉल्स इसलिए हुआ, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, कभी पैरेलल भी हो जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग नहीं किया। बी नंबर, टू डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू टू गिवेन पॉइंट, दो अलग अलग जो है लाइन जो है पास करेगा दोस्तों, दो अलग अलग में नहीं, ये भी गलत है दोस्तों, जैसे दो पॉइंट है ना, टू डिफरेंट लाइन, दो अलग अलग लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू
टू गिवेन पॉइंट, दो पॉइंट से, दो से भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए ये भी फॉल्स है ना। या देखिए ऐसे खींचे तो दोनों से खींचे, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं ना, अलग अलग भी खींच सकते हैं, इसलिए ये भी फॉल्स ही गया। सी नंबर, इफ इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, देन पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शिंग ऑफ टू लाइन। दोस्तों दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है पी से, तो उसको पी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये बस सही बोला है, ट्रू, TRUE। डी नंबर, उसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ थ्री लाइन इज, थ्री लाइन इज वन। दोस्तों थ्री लाइन इज वन बोल रहा है, तो यहाँ देखिए मिनिमम, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ थ्री लाइन इज वन। दोस्तों थ्री लाइन का हम बताएं मैक्सिमम थ्री हो सकता है और मिनिमम जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो वन बोला है, लेकिन नहीं ये गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, FALSE। उसके बाद अगला है डी, डी के बाद ई नंबर। उसके बाद अगला ई नंबर में है दोस्तों, क्या बोला है, थ्री लाइन विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दोस्तों तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करें ना, तो इंटरसेक्टिंग नहीं, इसको क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइन कहते हैं, इसलिए ई भी हम लोग का फॉल्स ही जाएगा, FALSE। तो सब फॉल्स हो गया, एक तो अभी ट्रू हुआ है। अगला देखते हैं क्यों हो रहा है फॉल्स या ट्रू, फॉल्स हो रहा है या ट्रू हो रहा है, तो मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। ई तक बता दिए, एफ नंबर कितना है, बहुत सारा है। अपोजिट साइड ऑफ अ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, फुल ट्रू है, तो TRUE, क्यों, TRUE। दोस्तों ब्लैक बोर्ड ऐसा होता है, इस और ये पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल होता है ना, और ये लाइन लेकिन परपेंडिकुलर होता है, लेकिन अपोजिट पैरेलल, इसलिए ट्रू गया। जी नंबर, अ ग्लोब हैज अ कर्व सरफेस। दोस्तों हम लोग जानते हैं ग्लोब में जो है ना कर्व सरफेस होता है, क्योंकि ग्लोब ऐसे गोल होता है और इसका सरफेस कर्व होता है, तो ये भी ट्रू ही है। अगला एच, पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल नैनकोलिनियर पॉइंट। दोस्तों पॉइंट जो बोला है ना, पॉइंट ऑन द लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इसको कोलिनियर कहते हैं। यहाँ बोला है क्या, नैनकोलिनियर, ये भी फॉल्स है, FALSE, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, है ना, शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि और बढ़िया से बढ़िया मैं वीडियो आपको पास लाऊँ। सिक्स नंबर का बताऊँ, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ए नंबर में क्या बोला है, द कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट अ डैश। दोस्तों हम लोग जानते हैं, जैसे हमें सारा का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल है, इसका कॉर्नर जो है ना रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करता है ना, तो पहला हो जाएगा POINT। बी नंबर में, द टेबल टॉप गिवन एन आइडिया ऑफ अ डैश सरफेस। दोस्तों टेबल है, इसे बनाते हैं हम लोग टेबल, है ना, टेबल बनाते हैं, तो इसमें ऊपर वाला जो है ना प्लेन दिखेगा आपको, कैसा सरफेस, तो प्लेन सरफेस दिखेगा, प्लेन की तरह लिखेगा, PLANE। सी नंबर में है, द प्लस साइन रिप्रेजेंट डैश लाइन सेगमेंट। दोस्तों प्लस साइन ऐसे बनाते हैं ना, एक दूसरे को पूरा 90 डिग्री में ये कट करता है, और दोस्तों यहाँ हम लोग क्या बताएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह बिहेव करता है, INTERSECTING। दोस्तों इंटरसेक्टिंग भी है, या अगर आपको कभी इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर वो पैरेलल भी बोलेगा तो पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर बोलेगा तो वो भी होगा, दोनों होगा, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों डी नंबर, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। डी नंबर में है, अ डैश एक्सटेंड इंडलेसली ऑफ ऑल डायरेक्शन। दोस्तों ये देखिए मैं सारा है बता रहा हूँ, अगर रे होता है तो एक तरफ एरो होता है, एक तरफ इंड पॉइंट होता है, लाइन सिगमेंट होता है तो दोनों तरफ इन पॉइंट होता है, और लाइन होता है तो दोनों तरफ इन पॉइंट नहीं होता है, लेकिन प्लेन ही ऐसा होता है दोस्तों जो किधरों इन पॉइंट, ये प्लेन है ना, जो ऑल तरफ इन पॉइंट नहीं होता है, तो ये प्लेन हो जाएगा, PLANE, है ना। डी नंबर में क्या बोला है, अ प्लेन एक्सटेंड
इंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब इंडलेस होता मतलब खत्म नहीं होता ऑल डायरेक्शन में। द लाइन ऑफ योर नोटबुक रिप्रेजेंट डैश लाइन। दोस्तों आपका नोटबुक में, हम लोग का नोटबुक में ऐसे ऐसे लाइन रहता है। मैं तो पहले नोट लाइन वाला कॉपी में बनाता था, अभी बिना लाइन वाला बना रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लाइन होता है बहुत सारा, है ना। तो दोस्तों वो पैरेलल लाइन होता है ना। क्या होता है? PARALLEL। तो पैरेलल लाइन, लाइन तो लिखा हुआ है। दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों शेयर जरूर करना, कम से कम 10 दोस्त को शेयर करना, और उसको बताइए कि देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।